कलर यूट्रस के लिए यहाँ पर होता ही है, तभी यूट्रस पे प्रभाव पड़े इसके लिए। तो चलिए दिखाते हैं डॉक्टर ने मुझे क्या क्या दिया और कितना मैंने चार्ज दिया इसका, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो ये डाइट चार्ट भी दिया है डॉक्टर ने मुझे, मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती हूँ। और ये देखिए बल्कि यूट्रस और मेरा जो फैटी लीवर है वो पिछले कई सालों से आ रहा है। 2020 में मैंने जब फर्स्ट टाइम चेक कराया था तब मैंने जो है ये प्रॉब्लम देखी थी बल्कि यूट्रस की, तब से ही प्रॉब्लम बढ़ रही है और तब से ही मुझे लगातार डेंगू हो रहा है। जैसे ही डेंगू होता है वैसे मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी नवंबर में मुझे डेंगू हुआ था उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई। सोया मिल्क मुझे बोला है जो मेरे लिए ज़रूरी है और ये अभी अक्टूबर नवंबर की मतलब तब की है, तब मुझे बहुत ही गंदे वाला जो है इन्फेक्शन हो गया था मेरी किडनी में, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट ले रही थी मैं, लेते लेते ही फिर मुझे डेंगू हो गया। तो ये बीच में तो छोड़ना पड़ा क्योंकि डेंगू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बीच में छूट गया था मेरा। और देखिए ना, एक मतलब प्रॉब्लम ठीक नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ही मैं दिल की दवाइयाँ ले रही थी, उसके साथ साथ डेंगू हो गया और डेंगू के साथ साथ ये मेरी और यूट्रस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो ये मेडिसिन दी है तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बोला है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो इसके लिए मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाऊँगी क्योंकि ऑपरेशन लायक नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मेरी धड़कन बढ़ती है, तो अब भी मुझे नहीं लगता कि मैं ऑपरेशन करा पाऊँगी। तो इसी वजह से यहाँ गई थी और ये मैं सैंडलवुड की लाई हूँ, धूप बत्ती वगैरह, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे भी ना बहुत ही मतलब प्यारा लगता है खुशबू ज़्यादा इन चीज़ों में। तो बस मैं ये दो पैकेट लेके आई थी, इनको ट्राई करते हैं। ये देखिए विटामिन B12 मेरा बहुत ज़्यादा कम है और मैंने अभी कई हज़ारों की विटामिन B12 की मैंने टैबलेट खाई थी, मुझे नहीं पता था पतंजलि में इतनी सस्ती मिलती है, 150 रुपये की जो है एक महीने का कोर्स हो जाता है। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है डॉक्टर को दिखाने का, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री है और बस सिर्फ आपको मेडिसिन के जो है चार्ज पे करने पड़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। योग सिखाना यहाँ पे कि यहाँ तक कि जो एक्यूप्रेशर है वो सिखाना, सब कुछ सिखाना, सब कुछ फ्री है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं तो ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। मेडिसिन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लें, लेकिन एक ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए हमें। और आयुर्वेद में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर मुझे विश्वास है। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर जो गुरु हैं वो बताएँगे कि मुझे कौन कौन से योग करने हैं। देखिए कुछ भी मतलब हम देख के योग करना शुरू कर देते हैं वो बहुत गलत बात है। जिस किसी को जिस जो बीमारी है उसी के अकॉर्डिंग हमें योग करनी चाहिए और सावधानियां भी लेनी चाहिए। उसके लिए हमें एक सही गुरु की, एक योग टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस मुझे वैसे तो सब कुछ ही आता है लेकिन फिर भी मैंने अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग उनसे योग पूछे हैं और मुझे सर्वाइकल है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सर्वाइकल के लिए भी उनको बोला है कि इन योग में सर्वाइकल से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने उसका भी सोल्यूशन दिया है। तो हर किसी का सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब उसकी आप पूरी जानकारी लेंगे, बिना जानकारी वीडियो देख के योग वगैरह करना बहुत गलत है। तो ऐसी गलती आप ना करें क्योंकि एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। ये बंदूक आसन ठीक है, शशक आसन आप पढ़ लेने का ठीक है, देख सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस छोड़ के आगे दो माथा में नीचे लगा, फिर नीचे अभी आना जमीन पे, हाँ पहले यहाँ पे लगा, अभी पे नहीं यहाँ पे लगाना, हाँ ये वाला यूट्रस के लिए यहाँ पे होता ही है, अभी यूट्रस पे प्रभाव पड़े इसके लिए ठीक है। नाभि 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 को यहाँ पे वही नीचे पैरों पे हाथ रख के ऐसे वाला यूट्रस के लिए यहाँ पर होता ही है, अभी यूट्रस पे प्रभाव पड़े इसके लिए ठीक है। नाभि 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 को यहाँ पे वही नीचे पैरों पे हाथ रख के ऐसे तीन बार घर से दोनों का, एक बार इससे क्या, एक बार इससे क्या, एक बार दोनों से योग काम का दस ठीक। तो ये
ठीक है, इसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा पूछ लो ना, आपको घुटने से मिला है, घुटने मुड़ने में शौक खाली पेट से, ठीक है, ये भला सर ठीक, अगर इसे कर सकते हो तो ज़्यादा है। हाँ जी कर लेती हूँ। सर्वाइकल के लिए भी बताना सर, बहुत अच्छा, ठीक है, ये 15 यहाँ पे तकिया रख लेना ताकि गर्दन ना मुड़े, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना वो, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन इसलिए इसलिए तकिया रख लेना, तकिया रखने तक गर्दन ऐसे ही रहेगी, ये सांस लेके ऐसे पूरा खिंचावा है, ठीक है, गर्दन ठीक है, और भुजंगासन ऐसे लेट के ये भुजंगासन पेट पीछे खींचना है, ये भाई रिपीट सांस बाहर छोड़ के बैठने का रास्ते खींचा, पेट पीछे खींचा, तीन बंद लगाने एनएस को, नेवल को, गले, ठीक है जी, हाँ जी, ब्राह्मी कान बंद करके उनको उच्चार, अरे भाई बता दिए सारे, और नहीं है हाँ देख ले, बस्ती का करना है बच्चों के लिए 2-3 मिनट और बड़ों के लिए 5 मिनट से 10 मिनट, देख लो भाई, बच्चों के लिए 2-3 मिनट काफ़ी होता है, बड़ों को 5 मिनट से 10 मिनट का कर देना, 15 मिनट तक करना काफ़ी, कैसे करना है सांस भरा छोड़ा, ये बस फिर है कपाल भाती प्रणायाम, बच्चों के लिए 5 मिनट, बड़ों के लिए 10 मिनट से आधा घंटा, कैसे करना है आप कम से कम आधा घंटा सही करना, कम होता है ठीक है, अगर कम करना है तो कपाल भाती थोड़ा कम करना है, बाएं से लिया दाएं हाथ उठाओ, दाएं बाएं से सांस को लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, यह अनुलोम विलोम, ठीक है, इसके बाद ब्राह्मी कान बंद करके ये ब्राह्मी कराए, इसके बाद उद्गीत कराए, सांस भर के और पहुंचा, ये कर दो, ठीक है जी, बाकी बाकी अपना अपना एक्यूपेशन, रूम नंबर 10 में जाकर आगे जाइए। जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको थायराइड है, और मैंने अपने थायराइड नॉर्मल किया है, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उज्जैयी करने बैठ जाती थी, बैठे हुए खड़े हुए कभी भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाए पिए कभी भी, यकीन ना आए तो उज्जैयी करके देखें और इसका रिजल्ट देखें कमाल का है।